Hey guys, hi, welcome back to my channel. मैं हूँ शाइनी. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आर सेफ एट होम. सो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, विच इज वजाइनल वाइट डिस्चार्ज. कई लोग इन सब टॉपिक के बारे में ज्यादा कंफर्टेबल, ज्यादा ओपन नहीं होते हैं, बट आई बिलीव इन सब टॉपिक्स के बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा बात करनी है, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ गर्ल्स जिनको कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, विच इज वाई दे फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल. सो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी आप सबके लिए. वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वाइट डिस्चार्ज होता क्या है, क्या वो नॉर्मल है. वाइट डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल है, वो वजाइना क्लीनिंग का एक पार्ट है. जब आपके वाइट डिस्चार्ज हो रहे हैं, इट मींस दैट योर वजाइना इज़ क्लीन, इट मींस दैट इट इज़ इन्फेक्शन एंड माइक्रोब्स फ्री. वजाइना इज़ अ सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गेन और इसी तरीके से वो अपने आप को क्लीन रखता है. सो इट इज़ अ प्रोसेस, ये बिल्कुल नॉर्मल है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. बट कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है. अगर आपको नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज हो रहे हैं, देन आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत है. अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये अब नॉर्मल है या ये नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मली तो होता ही है. एक्चुअली जब आपके वाइट डिस्चार्ज का कलर चेंज होता है, येलो कलर होता है या फिर थोड़ा सा ऑडर आता है, उससे इचीनेस हो जाता है उस एरिया पर और काफ़ी ज़्यादा पेन होता है वाइल यूरिनेशन या क्रैम्स आपको बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, दैट मीन्स इट इज ईस्ट इन्फेक्शन. और अगर आपके जो डिस्चार्ज है उसका कंसंट्रेशन जब चेंज होता है, कलर वही रहता है, वाइट कलर रहता है, लेकिन जब कंसंट्रेशन चेंज होता है, बाई चेंज इन कंसंट्रेशन आई मीन कि जब वो और भी ज़्यादा थिकर बन जाता है, तो उसका मतलब है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है. अब ये जो अबनॉर्मल डिस्चार्ज है, ये क्यों होता है? एक्चुअली कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, ईस्ट इन्फेक्शन होता है, STDs से भी हो सकते हैं, और जब वजाइनल इन्फ्लेमेशन होता है तब भी इस तरीके का अबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज हो सकता है. अब सवाल ये है कि आप इस अबनॉर्मल डिस्चार्ज को किस तरीके से ठीक करें. आजकल जो भी हमने वजाइनल हेल्थ के बारे में सुना है, वो या तो इंटीमेट वॉश होता है या फिर पाउडर फॉर्म में आता है या तो हेयर रिमूवल क्रीम्स होते हैं. बट आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं ओजीवा प्लांट बेस्ड हर कंफर्ट, जो आपके वजाइनल हेल्थ के लिए ही बना है, जो वजाइनल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा. दिस इज फर्स्ट प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट विच इज मेड स्पेशली फॉर योर वजाइनल हेल्थ. एंड यू नो वॉट, मैंने इस तरीके का कुछ भी मार्केट में आज तक कहीं नहीं देखा है. सो दिस इज़ वॉट आई रियली लव अबाउट ओजीवा, क्योंकि वो हमेशा कुछ नया लाते हैं, कुछ हेल्पफुल आते हैं, कुछ यूनिक, कुछ हटके लाते हैं हम सब के लिए. सो दैट इज़ रियली गुड. ओजीवा प्लांट बेस्ड हर कम्फर्ट बना है तीन ब्लेंड से. पहला है ईस्ट्रोजन बैलेंस ब्लेंड, दूसरा वजाइनल हेल्थ ब्लेंड एंड तीसरा है इंटीमेट हाइजीन ब्लेंड. ईस्ट्रोजन बैलेंस ब्लेंड में फ्लैक्स सीड है, फेनल सीड है, जो इचीनेस और ड्राइनेस को दूर करता है, लिकरिश रूट एक्सट्रैक्ट है जो वजाइनल पीएच को रिड्यूस करता है, और आइसोफ्लेवोन्स उसमें है, मतलब कि वो प्लांट बेस्ड और हर्बल ईस्ट्रोजन्स हैं. इसमें अश्वगंधा भी है जिसके एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है, जो कि इन्फेक्शन से दूर रखता है. सो बेसिकली ये जो ईस्ट्रोजन बैलेंस ब्लेंड है, ये एक्चुअली इट कंटेन्स फाइटो ईस्ट्रोजेंस, मतलब कि उसमें प्लांट बेस्ड ईस्ट्रोजेंस है. सेकेंड इज वजाइनल हेल्थ ब्लेंड विच कंटेन्स ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, जिसमें फ्लेवोथ्रीओल्स है, जो कि वजाइनल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है. अशोका स्टेम एक्सट्रैक्ट है जो सीवियर क्रैम्प को रिड्यूस करता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और बर्निंग सेंसेशन को भी रिड्यूस करता है. नीम स्टेम एक्सट्रैक्ट भी है इसमें, जो कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, एक कूलिंग सा सेंसेशन देता है और काफी क्लीन रखने में हेल्प करता है. सो ओवरऑल ये जो वजाइनल हेल्थ ब्लेंड है, ये माइक्रोब्स फ्री रखता है, सो इट इज एंटीमाइक्रोबियल. थर्ड इज इंटीमेट हाइजीन ब्लेंड, जिसमें पोमेग्रेनेट है जो कि स्किन को काफी सूथ करता है, उसमें टर्मरिक भी है जिसके डी टैनिंग इफेक्ट है ऑन द इनर थाई एरिया एंड ऑन द आउटर एरिया ऑफ वजाइना. सो गाइस, आप लोग समझ सकते हैं ये जो ओजीवा प्लांट बेस्ड हर कंफर्ट है, ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इंटीमेट एरिया के लिए. आजकल का जो ज़माना है वो केमिकल से भर चुका है, लेकिन फिर भी इस ज़माने में भी ओजीवा क्लीन प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स. सो दैट इज़ रियली गुड. सो ये प्रोडक्ट अगर आप परचेज करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, आप उस लिंक से परचेज कर सकते हैं.
सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ जो कि आपको इसे खरीदने से पहले ध्यान में देना है। सो ये जो ओजीवा प्लांट बेस्ड हर कम्फर्ट है, ये 13 या 14 उम्र के नीचे के अगर आपके बच्चे हैं तो उनको आप नहीं दे सकते। सो इन ऑर्डर टू कंज्यूम दिस, आपका जो एज है वो होना है 14 ईयर्स से ज़्यादा। प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग वुमन या फिर अगर आप एजेड हैं तो आपको इसे लेने से पहले आप एक डॉक्टर कंसल्टेशन कर लें तो अच्छा रहेगा। ये वीगन है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, सॉय फ्री है एंड ये नॉन जीएमओ है। इसका प्राइस है 899 रुपीस, जिसमें आपको मिलेंगे 60 कैप्सूल्स। आपको इसे हर रोज एक कैप्सूल लेना है, एक या दो घंटा बाद डिनर के या फिर सोने से पहले। आपने डिनर 8 बजे कर लिया और आप 10 बजे सोने जा रहे हैं तो सोने से पहले आप एक कैप्सूल इसका ले लीजिए एंड ये डेली आपको रिपीट करना है। तो इसका मतलब आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि ये जो एक बॉटल है ये आपको 60 डेज तक चलेगी। सो दैट इज़ रियली गुड। और जो प्रोडक्ट की परचेजिंग लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है, मेक श्योर यू चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप इस वीडियो से आप सबको हेल्प हुई है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।